तो गाइस सर फाइनली BGMI के अंदर A9 रॉयल पास आ चुका है। मैंने इसका वीक 1 एक्सप्लेन कर दिया जिसके अंदर UC का गिव अवे है। अरे आप लोग जाओ फटाफट से पार्टिसिपेट करो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीक 1 का, या तो आप लोग चैनल पे जाके खुद ही देख सकते हो। तो हम लोग फटाफट से इस वीडियो में सीजन चैलेंज के मिशन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिशन निकल कर आता है, स्पेंड अ टोटल ऑफ 10 मिनट इन गेम ड्यूरिंग द सीजन, ठीक है। तो ये आपको बता दो कि आपको ड्यूरिंग द सीजन इस गेम के अंदर आपको 10 मिनट स्पेंड करना है, जो कि मेरा यूं ही कंप्लीट हो गया। आप लोग का भी यूं ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस आपको गेम के अंदर रहना है। आप गेम खेलो, गेम के अंदर रहो। ये तो सबसे लास्ट मिशन था, पता नहीं पहले कैसे आ गया, चलो इसको छोड़ते हैं। इसमें लिखा है कि फिनिश 6 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक सिंगल क्लासिक मोड के अंदर 6 किल करने हैं। नो डाउट कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अपने अगले मिशन पर, जिसमें लिखा है डील अ टोटल ऑफ 1000 डैमेज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हेडशॉट मार के 1000 डैमेज को देना है, ठीक है, मतलब बंदों को मारना है, डील करना है, ठीक है। और जैसे कर लोगे आप लोग का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है कि क्लाइंब ओवर ऑप्टिकल्स 50 टाइम इन क्लासिक मोड। तो यार किसी भी ऑप्टिकल से आपको 50 टाइम क्लाइंब करना है, लाइक वॉल हो, विंडो हो, पत्थर हो, या आपका कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को आप ऐसे पकड़ के चढ़ते हो तो वो हो गया क्लाइंब करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 50 टाइम करना है। चाहो तो आप एक खिड़की पकड़ लो और अंदर बाहर करते रहो, 50 टाइम आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन इन अ सिंगल क्लासिक मोड बैचेस। 5 अलग तरीके के वेपन पिकअप करना है एक ही क्लासिक मोड के अंदर। चाहे आपको जैसे मान लो AK मिली, फिर आपको स्कारल मिली, फिर शॉटगन मिली, फिर DBS मिली, फिर आपको DP मिल गई, तो या फिर M4 मिल गई, तो सभी पिकअप करते जाओ। तो जिसे 5-6 गन पिकअप कर लेना है क्लासिक मोड के अंदर, तो समझ लेना कि आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा एलिमिनेट 10 प्लेयर वाइल रनिंग इन क्लासिक मोड। तो आपको 10 प्लेयर को एलिमिनेट करना है जो बंदे रनिंग कर रहे हो, ठीक है। अब रनिंग बंदे समझ नहीं पाते कि रनिंग ऐसा भी होता है कि आप सभी लोग को बता दो कि जो बंदा इतनी स्पीड से भाग रहा हो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं होता है, जब नॉर्मली हम लोग भागते हैं ना वही एकदम स्पीड से है कि आप स्प्रे करके किसी बंदे को नॉक कर दिए। और हाँ, एलिमिनेट और फिनिश करने में एक अंतर समझ लो, ठीक है। अब इसमें एलिमिनेट लिखा है, ठीक है। तो आपको बता दो कि अगर आप भागते हुए बंदे को नॉक कर देते हो तो आपका एक काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भागते हुए बंदे को अगर 10 बंदों को नॉक कर देते हो ना, तो आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा फॉलो टीममेट व्हेन जंपिंग 5 टाइम इन क्लासिक मोड। तो अपने टीममेट को फॉलो करना है 5 बार जब आप जंपिंग लैंडिंग करने जाते हो ना, तो आपको फॉलो कर लेना है अपने टीममेट को। उसके बाद अनफॉलो करके आप खुद अपनी लैंडिंग कर सकते हो। इसके बाद जो अगला मिशन निकल कर आ रहा है, इनवाइट टीममेट टू फॉलो यू व्हेन जंपिंग 5 टाइम इन क्लासिक मोड। तो यार बहुत इजी है, देखो दोनों मिशन एक ही साथ कंप्लीट कर सकते हो। फिलहाल एक तो आप फॉलो कर लेना, दूसरा अनफॉलो करके आप इनवाइट भेज देना अपने दोस्तों को फॉलो करने के लिए, जिसे वो फॉलो कर लें। अगर उनकी मर्ज़ी होगी आपके साथ लैंडिंग करने की तो आप लैंडिंग कराना, नहीं करनी होगी तो वो अनफॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये दो मिशन एक ही साथ कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है कंप्लीट 8 मैचेस विद फ्रेंड इन एनी मोड। आपको अपने फ्रेंड के साथ कोई सा भी 8 मोड खेलना, चाहे आप क्लासिक ही मोड खेले वो भी काउंट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है फिनिश 50 एनिमीज इन क्लासिक मोड। 50 किल करना आपको क्लासिक मोड के अंदर, नॉर्मल है, इजी कर लोगे। इसके बाद अगला मिशन, इसमें लिखा है सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 200 मिनट इन क्लासिक मोड। आपको गेम के अंदर 200 मिनट सर्वाइव करना है, नो डाउट ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ ड्यूरिंग द सीजन है तो आप लोग इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अगला मिशन है, इसमें लिखा है यूज़ द ज़िपलाइन इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड नूसा। नूसा के अंदर आपको ज़िपलाइन देखने को मिल जाती है काफ़ी मात्रा में, आपको उसमें आपको ज़िपलाइन को यूज़ करना है 5 मैचेस के अंदर में, और 1 मैचेस के अंदर में सिर्फ एक काउंट होगा, तो 5 करने मत लगना। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है जंप एंड लैंड ऑन अ रूफ इन एरेंगल और लिविंग 10 टाइम। तो जंपिंग एंड लैंडिंग आपको किसी भी रूफ पे करना है, एरेंगल हो या चाहे लिविंग हो, ठीक है। एरेंगल में तो आपको कई बहुत जगह आपको घर देखने को मिल जाते हैं जिनके आप रूफ पे लैंड कर सकते हो, बट हाँ अब न्यू मोड आ चुका है तो लोग न्यू मोड पे लैंड करते हैं। तो ये यार ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होती है सरदर्द, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ये वाला मिशन कंप्लीट करना है तो आप लोग जब रिकॉल होकर जाते हो तो आपको किसी घर के छत के ऊपर लैंड करना है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है कि ऐड 7 फ्रेंड। आपको 7 बंदों को ऐड करना है अपने मतलब फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला मिशन है, जिसमें लिखा है गिव 24 लाइक्स टू टीममेट। आपको अपने टीममेट्स को 24 बार लाइक करना है, जो कि ईजी है, आप लोग कर लोगे।
लॉगिन इन टू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 20 डेज। आपको 20 दिन लगातार गेम लॉगिन करना है। जैसे ही कर लोगे आप लोग का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन है कंप्लीट 10 मैचेस इन एनी मोड फ्रॉम फ्राइडे टू संडे। 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन के अंदर आपको 10 मैचेस खेलना है और जैसे ही खेल लोगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ है कि वॉ मोड यहाँ पे जो हम लोग का आता है बोनस चैलेंज मोड वो काउंट नहीं होगा, तो वो मतलब गिनने लगना। इसके बाद जो अगला और हाँ इस बार शायद नहीं आएगा, तो अब जैसे कि वाओ बोनस चैलेंज के लीक्स मिले कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद जो अगला मिशन है जिसमें लिखा है गिफ्ट और गिफ्ट बैग बीपी टू 10 डिफरेंट फ्रेंड। आपको बीपी को सेंड करना है अपने 10 डिफरेंट फ्रेंड को, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जाना है, मेल बॉक्स में जाना है, एंड गेस्ट फ्रेंड पर क्लिक करके रेड एंड क्लेम ऑल कर देना आपका ये वाला मिशन 5 टाइम, तो आप यहाँ से कर दोगे। उसके बाद 5 टाइम आपको अपने फ्रेंड लिस्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बीपी सेंड करते जाना, ठीक है। इस तरीके से 5 बंदों को बीपी सेंड कर सकते हो, 10 बंदों को बीपी सेंड कर सकते हो एक ही दिन के अंदर में, फॉर अ टोटल ऑफ 1000 मीटर इन क्लासिक मोड, ठीक है। आप 3000 मीटर से 1000 मीटर कर दिया, चलो यार ये चीज़ अच्छी है कि सिर्फ 1000 मीटर स्विमिंग करने, तब भी तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तब भी पता नहीं क्या है, मैं तो एक 100 मीटर करना हो तो मुझे बोर लगता है। नो डाउट यार इस बार कम है, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये वाला मिशन। इसके बाद जो अगला मिशन है इसमें लिखा है इक्विप टू फायर आर्म्स विद फुल अटैचमेंट एट द सेम टाइम इन 5 क्लासिक मोड मैचेस। चलो यार ये चीज़ अच्छी लगी कि 8 से 5 टाइम कर दिया, तो चलो यार ये भी ईजी हो गया मिशन कम्प्लीट करना। बाकी गाइस इसके बाद जितने भी मिशन है स्पेंड अ टोटल ऑफ 50-60 मिनट ड्यूरिंग द सीजन, मतलब इन गेम। तो आप सभी लोग को बता दूँ कि यहाँ से लेकर जितने भी आपको एंड तक मिशन देखने को मिलेंगे सभी के अंदर आप सभी लोग को गेम के अंदर टाइम स्पेंड करना है। और इस बार आपको 2100 मिनट तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ 900 मिनट तक जाना है। बोले तो आप लोग का होता है 5-10-15 घंटे होते हैं टोटल, तो आप सभी लोग को 15 घंटे गेम के अंदर स्पेंड करना है, जो कि यार आप 4 से 5 दिन के अंदर में ही कंप्लीट कर लोगे सारे मिशन, मतलब मिनट। तो इस तरीके से आप लोग ये वाले सारे मिशन कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी आया है सीजन चैलेंज मिशन, मैं तो कहता हूँ भाई इससे इजी मिशन तो मैंने देखा भी नहीं है। तो यार बहुत ईजी है, आप लोग ईजिली जाके कंप्लीट कर सकते हो।